आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि देश का चेहरा मोरा बदलने की क्षमता यदि किसी एक चीज में है तो ये जीएसटी में है, और देश की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आम आदमी को जब वो भुगतान करता है टैक्सेस का, उसमें सरलता आएगी, वो भ्रष्टाचार तो बड़ी मात्रा में दूर होगा। यदि आपकी व्यवस्था पूरी सरल है, डिस्क्रिशन चली गई, आपके ऑनलाइन असेसमेंट हो रही है, ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल हो गए, तो भ्रष्टाचार की परिस्थिति कैसे पैदा होगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज जीएसटी के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों को इस लंबे सफर के लिए और इस सफर को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, एक नए सफर का आगाज करने के लिए अभिनंदन दिया, शुभकामनाएं दी। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां भिन्न भिन्न राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ एक साथ एक मंच पर आएं और सामूहिक निर्णय, यूनानिमस डिसीजन जीएसटी के संदर्भ में ले। तो आज हम और हमारे मित्र अश्वनी चौबे उस इतिहास के साक्षी हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। जीएसटी देश के लिए है, गरीबों के लिए है, हिंदुस्तान को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला है। This will bring more and more economic integration. It will add to the wealth of the country, revenue of the central government, state government, and the money will be utilized for the welfare of the downtrodden and the poor. वो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, उनके लिए हम लोग जो भी प्रश्न समस्या उसको मदद करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक महीने का टाइम देना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अमेंडमेंट हो सकता है सर? पक्का पक्का। Thanks for watching One India Telugu. For more details, keep watching One India Telugu. Please like and share. Don't forget to subscribe. Thank you.